स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की काशीपुर की प्रमुख खबर पर। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन ने उठाया शहर में पौधे लगाने का बीड़ा। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन संस्था द्वारा आज एक बैठक कर 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल संस्था द्वारा पर्यावरण को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गिरता रोड पर 40 पेड़ लगाकर 3 वर्ष तक पालने से की जाएगी। वहीं उनके द्वारा विद्यालयों में जाकर बच्चों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करने की बात भी कही गई। इस दौरान गीता चौहान, मोहित मेहरोत्रा, अर्चना लोनी, नूपुर गुप्ता, संजय भाटिया, केशव सिंह, शशिकांत गुप्ता, राकेश शर्मा, सुरेंद्र बाटला आदि मौजूद रहे। आज जो हम लोगों ने मीटिंग करी है काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से, इसमें हम सब ने डिसाइड करा है कि हम काशीपुर के जितने भी निवासी हैं उन सबसे यह है एक अपील करते हैं कि सब लोग अधिक से अधिक पौधे इस मानसून का जो मौसम आ रहा है इसमें लगाएं, क्योंकि अब इस टाइम मौसम में जो है बहुत परिवर्तन आ गया है। इस बार गर्मी बहुत रही है, 40 से 45 से 48% एकदम डिग्री हो गई है टेम्परेचर। टेम्परेचर को रोकने के लिए अगर इस बार अभी हमने पौधे नहीं लगाए तो आगे जो है मानसून जो है परिवर्तन जो है इसे हम रोक नहीं पाएंगे। जिस तरीके से लोग एसी खरीद रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे कि जो है अपने आसपास जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने घर में बच्चे जो है उनके वो भी पौधे लगाएं, इसके लिए हम अपने संस्था की तरफ से ये चाह रहे हैं। हम कुछ रिवार्ड भी रखेंगे और प्रमाण पत्र देंगे बच्चों को कि वो अपने जगह अपने आसपास जो है घरों में और अपनी जो है कॉलोनियों में पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें जो है जो पौधे पालेंगे उन्हें हम देखेंगे और अभी भी प्रमाण पत्र देंगे और अगले साल अगर वो उन्हें सही से पालते हैं तो हम उन्हें फिर प्रोत्साहित करके अपनी तरफ से इनाम देंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि जो उनके पास जितना भी है प्लास्टिक का जो है कचरा होता है छोटा, उन्हें बोतलों में डालकर और छोटी छोटी बोतलों में उसकी कतरने करके और उसमें डालें, जिससे कि जो है वो भर के हमें दें। हम उसका भी एक वो स्कूलों में जो है चलाएंगे स्कीम, जिससे बच्चे जो है प्रोत्साहित हों और ये जो है रिसाइकिल हो सके बोतल। आज की मीटिंग को लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो है पौधारोपण की जैसे बात होती है लेकिन पौधारोपण के बाद की जो प्रक्रिया वो लोग भूल जाते हैं, उस इसके लिए क्या संदेश है और क्या कार्यक्रम है? हम लोगों का इस मानसून सीजन में ये प्रयास रहेगा कि गिरिता लोड पर कम से कम 50 से 60 पौधे लगाए जाए छायादार और उनको 2 से 3 साल तक पाला जाए ट्री गार्ड्स लगा के प्रॉपर, जिससे कि वो पौधे जो है वृक्ष का रूप ले सकें और गिरिताल की पुरानी जो गरिमा है हरियाली की वो वापस रिस्टोर हो सके। ग्रीन एंड क्लीन की तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि जब भी मानसून आता है अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, तो मैं भी इस संस्था के माध्यम से इसमें जो भी मेरा सहयोग होता है मैं करती हूँ हमेशा, और अपनी तरफ से भी मैं पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना खुद भी लगाती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की बहुत ही जोत है जिस हिसाब से हमारा मानसून हो रहा है और हम लोगों को गर्मी और बरसात में जिस तरह की हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका हमें दुरुपयोग भी प्रकृति से छेड़छाड़ का हमें मिल ही रहा है, हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हमें ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करना चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। और हर घर में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर एक पौधा लगा करके कहीं भी आप उसको वृक्ष के रूप में चलाएं, देखिए आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। अगर एक वृक्ष भी एक व्यक्ति लगा ले तो उससे भी हमारे पर्यावरण में काफी परिवर्तन आ सकता है, हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। काशीपुर की दिन भर की अन्य खबरों पर। कॉर्बेट राउंड टेबल के साथ 15 बच्चों ने भरी सपनों की उड़ान। रेलवे स्कूल के पीछे नाले की हुई सफाई। अवैध कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने होटल में मारा छापा। आईटीआई थाना पुलिस ने चलाया नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत अभियान। अब खबरें विस्तार से। कॉर्बेट राउंड टेबल संस्था द्वारा 15 बच्चों के जीवन की पहली उड़ान भरी गई। दरअसल आपको बता दें कॉर्बेट राउंड टेबल एक समाज सेवी संस्था है जिसके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार योगदान दिया जाता है। इसी के चलते संस्था द्वारा 15 बच्चों को हवाई सेवा से राष्ट्रपति भवन ले जाया गया, जहां जाते समय बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता और मुस्कान दिखाई दी। Hi.
निवर्तमान नामित पार्षद पुष्कर बिष्ट द्वारा वार्ड नंबर 17 रेलवे स्कूल के पीछे रेलवे स्टेशन के नाले की सफाई करवाई गई। दरअसल आपको बता दें, उनके पास रेलवे स्कूल के वार्डवासियों का फोन आया कि उनके घर के पीछे कई किलोमीटर का नाला है जो गंदगी से पटा हुआ है और सफाई नहीं हुई है। वहीं बरसात के मौसम में कभी भी पानी भर जाता है, इसी के चलते लोगों की समस्या को देखते हुए निवर्तमान नामित पार्षद पुष्कर बिष्ट द्वारा तुरंत नगर निगम काशीपुर को स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद आज नाली की सफाई अभियान के तहत नाले की सफाई की गई। इसके लिए क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्कर बिष्ट की जमकर सराहना की गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में अवैध कच्ची शराब की रोकथाम व नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस अभियान के तहत चौकी टांडा उज्जैन कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा चौकी टांडा उज्जैन क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर कच्ची शराब बिकने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, वहां छापेमारी की और कच्ची शराब की खरीद फरोख्त करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध धारा 7 एक्साइज एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम द्वारा काशीपुर में आवास विकास गेट के पास संचालित एक होटल में छापेमार कार्रवाई करते हुए एक निजी होटल जहां संचालक द्वारा देह व्यापार का कार्य करवाया जा रहा था पहुंच अभियुक्तों गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। आज थाना आईजी पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उच्चाधिकारियों के आदेश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अभियान के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई काशीपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं व आईजीएल तिराहा तथा खड़गपुर में अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी गई तथा शपथ दिलाई गई कि वे लोग ना ही नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। साथ ही इस दौरान सभी को यातायात के नियमों से भी अवगत कराया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।